तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है, तो ये इसमें कहा जा रहा है कि एक विंड मिल है, ठीक है ना। और वो जो है आप देखे होगे बचपन में, मतलब समुद्र के किनारे देखे होगे बहुत सारे, जब छोटे छोटे हम लोग बच्चे थे तो समुद्र के किनारे जाते थे, अभी भी बड़े बच्चे भी जाते हैं, ठीक है। तो विंड पावर जनरेटेड कन्वर्ट इंटू विंड एनर्जी, जो विंड पावर होता है, जो सामने से हवाएं आती हैं ऐसे, तो इस विंड मिल से एरिया क्रॉस सेक्शन, ये वाला कुछ एरिया है पाई आर स्क्वायर, इससे एक पाइप की तरह ऐसे क्रॉस करती हैं सामने से, और उसको जो विंड एनर्जी है उसका कुछ फ्रैक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट होता है, 100% नहीं होता है। तो अज्यूम दैट कन्वर्ट फिक्स फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इनटू इंट एनर्जी। तो ये कहता है कि इलेक्ट्रिकल पावर जो जनरेट होगा वो वेलोसिटी से, जो विंड की स्पीड है, जो सामने से स्पीड आ रही है विंड, उसकी स्पीड अगर भी हो, तो जो पावर जनरेट हो रहा है वो पावर इलेक्ट्रिकल पावर भी से कैसे रिलेशन रखता है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम देखो कि एक मैं व्यू बना देता हूँ ऐसे, इस तरह से ऐसे विंड मिल, ऐसे जो एयर आ रही है ऐसे इस पाइप में आ रही है ऐसे, दिस इज़ द विंड वेलोसिटी, विद वेलोसिटी वी द विंड इज़ फ्लोइंग इन ए पाइप समथिंग लाइक दिस, एंड दिस पाइप लेट अस कंसीडर ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, सामने से ऐसे ऐसे आप अज्यूम कर लो, दिस इज़ लेंथ एल, छोटा लेंथ ले लो डी एल, ले लो स्मॉल लेंथ डी एल, और यहाँ पर जो है वो विंड ऐसे ब्लेड्स लगे होते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आप समझ सकते हो, ऐसे ब्लेड्स लगे हैं, ठीक है ना, आपको रियल तो दिखाई दिए, तो ऐसे ब्लेड्स लगे हुए हैं जो कि यहाँ से ऐसे कुछ रोटेट करेंगे, ठीक है ना। चलो तो यहाँ से अब तुम देखोगे, अब देखो पावर, इंस्टेंटेनियस पावर जो है, वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस पावर जो होता है वो इस पे लगने वाले ब्लेड पे लगने वाला फोर्स और मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी के इक्वल होगा, और यहाँ से कॉस 0 1 हो जाएगा, तो पावर जो आ जाएगा वो एफ डॉट बी के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। अब मुझे एक काम करना है, फोर्स की वैल्यू निकालना है, तो चलो फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। तो अगर जो विंड आ रही है, यहाँ से जो विंड आ रही है उसके पास छोटा सा ये क्रॉस सेक्शन छोटा लिया हूँ, जिसके पास मास डीएम है, जिसकी और जिसके पास लेंथ डीएल है, तो मैं मोमेंटम को लिख सकता हूँ एम भी बड़े आराम से, मास ऑफ द विंड और वेलोसिटी के मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ से देखो वेलोसिटी जो स्पीड कांस्टेंट है, तो वी को मैं बाहर ले लेता हूँ, और यहाँ से डीएम ओवर डीटी, डीएम डीएम जो है स्मॉल मास, स्मॉल मास डीएम इज इक्वल टू स्मॉल वॉल्यूम, दिस इज स्मॉल वॉल्यूम, वॉल्यूम एक और भी आया था तो इस पर कन्फ्यूज मत होना, मैं ऐसे कर देता हूँ स्मॉल बी, और मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ विंड रो, ठीक है ना। इसमें पूरा ये वाला जो पूरा क्रॉस सेक्शन लिया हो, इस पूरे क्रॉस सेक्शन में मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि कितनी, समझ रहे, इस पूरे क्रॉस सेक्शन में मैं कंसीडरेशन ले रहा हूँ। तो अगर मैं इस पूरे क्रॉस सेक्शन में मैं कंसीडर लूँ, यहाँ से थोड़ा सा कंट्रोल प्लस नाम देता हूँ, थोड़ा सा जूम हो जाता है, तो यहाँ से स्क्रीन मेरा, एक मिनट बच्चों, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ से तुम देखोगे इसके लिए, तो यहाँ से डीएम जो आ जाएगा, डीएम ये जो डीएम आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है डीएम की, तो डीएम इसमें कितना मास आ रहा है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। तो ये जो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शन का वॉल्यूम देखोगे, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मल्टीप्लाइड बाई लेंथ डी एल, तो दिस इज द डी एम। इस डी एम को अगर यहाँ रखोगे तो जो फोर्स आएगा वो वेलोसिटी तो पहले थी डी ओवर डी टी, और यहाँ से डी एम की वैल्यू डालोगे तो रो ए और डी एल इस क्रॉस सेक्शन का लेंथ, तो जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, और यहाँ से डी एल ओवर डी टी, वट इज डी एल ओवर डी टी, द रेट ऑफ दिस लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम, तो दिस लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू स्पीड ही होगी, तो रो ए भी और ये भी, मतलब रो ए भी स्क्वायर, दैट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लेड्स, ठीक है। तो इतना जो पावर हो जाएगा दैट इज एफ वी के मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहाँ से रो ए भी स्क्वायर था और यहाँ से भी से मल्टीप्लाई कर, तो रो ए भी क्यू, यहाँ से पावर आ जाएगा। तो पावर जो प्रोपोर्शनल है वो भी की पावर, क्योंकि एरिया क्रॉस सेक्शन और डेंसिटी यूनिफॉर्म अज्यूमिंग किया जा रहा है, दैट इज यहाँ से सी ऑप्शन सही है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखो।